क्लास के जी टू क्लास ट्वेल्थ फ्री एजुकेशन हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स मैगनेट ब्रेन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ई नोट एंड ई बुक्स की भी facilities provide कराता है, जिनको आप अवेल कर सकते हैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन है और आपको तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं fully में, with daily practice questions के साथ। इसके बाद आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है और सर टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना आया ना बस क्या बोलनाट ब्रेन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम आपके साथ है आपकी मेहनत मेहनत आप आप करेंगे क्लास का आप क्लास का किसी भी में हो मैग्नेट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बेटा आज हम लोग लो पढ़ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा पीछे क्या पढ़ेंगे सर क्लास ट्वेल्थ का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है और उस विद्युत धारा के आज पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या करेंगे एमसीक्यूज करेंगे यहां पर एमसीक्यू लगभग मैंने 20 लिए हैं और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं हैं कैसे एग्जाम ओरिएंटेड हैं और इतने अच्छे एमसीक्यूज हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे मतलब न्यूमेरिकल पार्ट भी होगा और कुछ थियोरेटिकल पार्ट भी होगा हाँ ना क्योंकि अगर कोई भी बोर्ड ले लो आप ले लो चाहे सीबीएसई बोर्ड ले लो यूपी एमपी दिल्ली बिहार ठीक है राजस्थान बोर्ड कोई भी स्टेट बोर्ड ले लो अदर स्टेट बोर्ड ले लो सारे स्टेट बोर्ड में बेटा क्या होता है एमसीक्यू जो आते हैं ना उनका पैटर्न क्या होता है? कि ऐसा नहीं होता किस सारे सारे ना, ना है? साथ, साथ होते हैं लेकिन कुछ छोटे छुपे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और सबको न्यूमेरिकल फिजिक्स में बहुत डर लगता है हाँ ना, ना, सब कहते भैया हमको थ्योरी थ्योरी दे दो न्यूमेरिकल नहीं लगाना हमको तो भैया न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो हमने सारे लगा ही हैं अच्छे से पढ़ लिए हैं लेकिन उनको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया है इस MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप जल्दी से क्या कर देना है सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर, अगर नए है तो जो बैलाइकन दे रखा ना उसको टन से दबा दीजिए जिससे जैसे ही मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पर कोई भी वीडियो आए आप पर नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी से पहुंच जाए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक लाइक कर दीजिए आपके पहले से स्टार्ट करते हैं सर क्या करते हैं आज का एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न पहला क्या कह रहा है कि किसी चालक में 3.2 पॉइंट की धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी दिल सर जी पहला ही एमसीक्यू आ गया न्यूमेरिकल क्या आ गया पहला ही नहीं। देखना कितना अच्छा होता है कोई, कोई कंडक्टर है उस कंडक्टर में थ्री पॉइंट की थ्री पॉइंट टू करंट फ्लो हो रहा है ठीक है आपसे कहा गया है मतलब आप पहले लिख लीजिए कि सर आई की वैल्यू कितनी दे रखी है सर आई की वैल्यू आपको दे रखी है 3.2 पॉइंट एम्पियर कोई दिक्कत परेशानी नहीं, नहीं। आपसे कह रहा है कि बताइए प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे समझना क्वेश्चन को समझना गहरी बात बोल रहा है एन एन की वैल्यू नहीं निकाल रहा पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ वो एन की वैल्यू नहीं पूछ रहा है आपसे आपसे ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नहीं पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि एक सेकंड में एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव होंगे वो बताओ तो आपसे पूछ रहा है एन अपॉन टी क्या पूछ रहा है आपसे एन अपॉन टी आपसे पूछ रहा है समझ में आया हाँ या ना तो देख लो बहुत जरा क्वेश्चन को पढ़ो प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि एक सेकेंड में एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसी को कहेंगे उसी वही चीज हमसे पूछ रहा है निकालें क्या चलिए सर करते हैं क्वेश्चन तो सर हमको क्या पता है फॉर्मूला पता है कि आई इक्व क्या होता है ऐसे करके एक मिनट एक मिनट लेकिन क्यूक्सू क्या होता है सर Q टू होता है एनई -E. क्या होता है क्यू इक्व एन ई तो इस Q की जगह हम लोग एनई -E रख सकते हैं बिल्कुल रख सकते हैं तो क्या आ जाएगा कि आई इक्व n e t कोई दिक्कत परेशानी देखो हमसे पूछा क्या गया n t पूछा गया तो n t को यही रखा रहने दो इस e को नीचे की तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा i e n t कोई दिक्कत परेशानी नहीं हमसे n t की वैल्यू चाहिए अब बस सारी वैल्यू रख दो ठीक है तो यहां पर एक करते हैं लाइन और इधर साइड हम लोग करते हैं सॉल्व ठीक आओ बेटा किसकी वैल्यू चाहिए N upon T की तो इधर साइड लिख लेते okay, e e देर दे दे रखी है थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट टू होल अपॉन सर ई e की वैल्यू कितनी रखी पता है कितनी होती है 10 की पावर माइनस नाइनटीन cool, wow. सर यहां पर रख देते हैं 1.6 पॉइंट सिक्स की पावर माइनस नाइनटीन को सब कुछ कटेगा बिल्कुल कटेगा कितना कटेगा जो कटा वो बता दो बताना बेटा पॉइंट से पॉइंट पढ़ा दो 16 बन जा 16 16 टू जा 32 यही तो होता है सोलह दुनी बत्तीस तो बेटा आंसर कितना आ गया आपका n अपॉन टी इक्वल्स टू आ गया 2 into, और ये 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस +19 हो जाए 2 into 10 की पावर 19 तो ये आपका आ गया आंसर बताना भैया न्यूमेरिकल क्या कठिन है कोई डर लग रहा है क्या नहीं इतना छोटा न्यूमेरिकल था तभी किस में आया एमसीक्यू में आया तो आंसर कौन सा दे रखा सर 2 into 10 की पावर 19 अरे सर लो पहले ही आंसर दे रखा क्या दे रखा आंसर नंबर क देखो बेटा समझ में आया न्यूमेरिकल हमारा किस तरीके से आसान से हुआ तो आपसे ऐसे एमसीक्यू पूछ दिए जाएंगे मैंने तो आपको समझाने के लिए इतनी इतनी देर में किया है आप इसको ऐसे कर सकते हो चुटकियों में कैसे करोगे चुटकियों में या ना तो ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं एमसीक्यू टू पर ले लिया स्क्रीनशॉट शॉट या ना बढ़े सर आगे ओके 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 सर बढ़ते हैं आगे करें ऑल क्लियर ऑल क्लियर आइए सर क्वेश्चन नंबर टू पर बढ़ते हैं देखिए सर क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कह रहा है कि किसी चालक तार में धारा आई होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग v है यदि उसी धातु के परंतु दुगनी त्रिज्या के तार में धारा टू आई हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा आपसे क्या पूछ रहा है सर आपसे पूछ रहा है कि बताइए देखो ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बच्चा कैसा दे रखा है आपको दे रखा है न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रखा है

उसकी जो रेडियस है उसको दोगुना कर दें पहले से दोगुना कर दें और उसमें टू आई फ्लो फ्लो दें, तब बताओ इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होगा समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया ठीक है पहले पहले करंट फ्लो हो रहा था, तब उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v थी यदि उसी तार का उसी तार की रेडियस को दोगुना कर दें ठीक है और उस तार में करंट फ्लो करवा दें टू आई तब बताओ उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग क्या होगा समझ में आया तो आपने सर एक बात बताओ कि आई में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन पढ़ा था क्या सर रिलेशन यस पढ़ा था क्या था सर आई इक्वल टू एन बस उसी रिलेशन का यूज करके इस वाले क्वेश्चन को करना है क्या करना है सर जरा रिलेशन लिखते हैं यहां पर सर क्या होता है आई इक्वल टू एन ई ए, ए डी सर यही रिलेशन था हाँ या ना बिल्कुल सर इसी रिलेशन का यूज करके इसी रिलेशन का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे सर कैसे करेंगे यहां पर वीडी नहीं वीडी की जगह यहां पर क्या बोला एनगोन वेग वी बोला तो यहां पर वी कर देंगे क्या कर देंगे वी कर देंगे ठीक है तो क्या बोलेंगे हम लोग यहां पर देखना बेटा कि आई इक्वल्स टू एन ई ए वी कोई दिक्कत परेशानी नहीं।, नहीं ठीक है कहा जब आई करंट फ्लो हो रहा था तब उसका जो अनुगमन वेग था वो भी था ठीक अब अगर हम लोग उसकी त्रिज्या को दुगना 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 कर कर दें दें त्रिज्या को दुगना मतलब आर को दुगना कर दें। सर, आर को मतलब सर दुगना कैसे करेंगे ये तो कांस्टेंट कांस्टेंट है NE क्या है क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन कभी चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कभी चेंज नहीं होगा तो इस एरिया को नीचे ले आए इस एरिया को ले भैया नीचे ले आते हैं क्या बोल देंगे हम लोग आई अपॉन ए अच्छा चलो I upon A equals to B. ये पहली वाले आ गया कि करंट कितना टू आई हो जाए, जाए। हाँ कंडीशन दूसरी क्या बोला है अगर करंट हमारा टू आई हो जाए और सर उसकी रेडियस कितनी हो जाए दोगुनी हो जाए यहाँ पर रेडियस क्या होगी पाई आर स्क्वायर जरा यहाँ पर लिख लेना आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू वी ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं यहाँ पर सर एरिया का क्या बोल लेंगे एरिया एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर लेकिन सब उसने क्या बोला है कि उसकी जो त्रिज्या है वो कैसी हो जाए त्रज्या भी दोगुनी हो जाए और करंट भी दोगुना टू आई हो गया तो यहाँ पर टू आर करेंगे बिल्कुल करेंगे तो यहाँ पर कर देते हैं हम लोग टू आर तो टू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इधर वी कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर इसको जरा सॉल्व करना इसको जब सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा टू आई अपॉन ये आ गया पाई और ये दो दूना चार मतलब बाहर ले ले फोर और ये आर स्क्वायर सर कटेगा बिल्कुल कटेगा टू वन जा टू, टू 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 जा फोर मतलब ये आ गया इक्वल्स टू वी ये आ गया वन अपॉन टू वन अपॉइंट टू आ गया ना वन अपॉइन टू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू वी सर वन अपॉइंट टू क्या मतलब अरे सॉरी आई वन अपॉन आई अपॉन अरे अरे सर रुको 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 इसको सही से लिख देते हैं सर ये आपका आ गया कि आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू वी कोई दिक्कत परेशानी हाँ या ना बताओ बेटा नहीं अब एक बात बताना अब एक बात बताना ये जो है ये जो वैल्यू दे रखी है ये जो वैल्यू दे रखी है आई अपॉन पाई आर स्क्वायर कहीं ना कहीं आई अपॉन पाई आर स्क्वायर वी है है भी, इस वाले वी को हम लोग वी ले लेते हैं क्या लेते हैं दूसरा वाला वी है ना तो इसको तो जगह सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पाई, आई पाई तो सर ये क्या जाएगा? देखो जरा क्या जाएगा सर यह आ जाएगा वी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां पर इसकी जगह रखने वी रखने वी अपॉन टू तो जब भी कभी हम लोग त्रिज्या को दुगना कर दें, रेडियस को दुगना कर दें और करंट को टोवाई करंट कर दें, तब सर जो जो अनुगमन वेग होगा वो कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा पहले वाले से समझ में आया तो सर ऑप्शन कहीं दे रखा है यस सर, दूसरे वाले में देखते हैं सर हमारा सही है क्या गलत बिल्कुल सही है समझ में आया या ना कठिन है क्या सर नहीं कठिन है दोबारा समझाते हैं आई क्वेश्चन होता है वहां पर वी था यहां पर वी बोला तो वी कर दिया ठीक है एन कॉन्स्टेंट ई कॉन्स्टेंट एरिया चेंज होगा ठीक है तो एरिया को नीचे ले दिया ये कांस्टेंट कर दिया हटा दिया ठीक है तो सर पहला वाला केस है है पहले वाले में करंट फ्लो हो रहा है, एरिया वही है पाईआर स्क्वायर है तो मैंने पाईआर स्क्वायर कर दिया इक्वी पहले वाले की अनुगम वेग जो आई है वो आई अपॉन पाईआर स्क्वायर आया अब दूसरा वाला केस करते हैं सर आई कितना कर दिया टू कर दिया रेडियस उसने दुगनी कर दी इक्वल्स टू नया वाला अनुगमन वेग आएगा उसको मैंने वी दे दिया कोई दिक्कत नहीं कहीं कहीं, पहले वाले ही आ गई कहीं ना कहीं जो नया अनुगमन वेग आएगा वो पहले वाले से आधा आएगा कैसा आएगा पहले वाले से आधा आएगा कोई दिक्कत परेशानी हाश लेना है जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीन शॉट इसका पढ़े आगे सर बढ़े ओके ओके सर, सर, लाइए। कर दे देखिए सर क्या, रहा है? तीसरा क्या रहा है? है। कह रहा है संबंध है लेकिन यहां पर थोड़ा चेंज कर दिया गया है यहां पर वैद्युत धारा नहीं दे रखा है क्या दे रखा है घनत्व दे रखा है तो सर आपको पता है एमसीक्यू क्यू में सारे सॉल्व कराऊंगा ऐसा नहीं कहूंगा इसका आंसर ये ना 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 सॉल्व कराऊंगा समझाऊंगा आपको पता था सर आई टू क्या होता है एनई एडी -E होता है जी हां सर। अगर सर मैं इस ए को नीचे भेज दूं तो सर आई अपॉन ए हो जाएगा हाँ या ना हो जाएगा ना ओके बेटा तो एन ई वी डी सर आई अपॉन ए तो कुछ होता है क्या होता है अरे सर ये तो करंट डेंसिटी होता है धारा घनत्व होता है हाँ या ना कि सर के यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी ये एकांक क्षेत्रफल में कितना करंट कितनी धारा प्रवाहित हो रही उसको क्या बोलते हैं धारा घनत्व बोलते हैं तो सर आई अपॉन ए क्या हो जाएगा इसी को हम लोग जे बोल देंगे स्मॉल जे या फिर कैपिटल जे चलो यहां पर स्मॉल जे दे रखा है तो स्मॉल जे इक्वल्स टू एन ई वी डी देखो भैया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या आ गया रिलेशन आ गया बताओ कहीं दे रखा ये एनईवीडी जे क्वेश्चन अरे जी हां सर कहां पे दे रखा है पहला वाला चलिए देखते हैं बिल्कुल सही समझ में आया कोई दिक्कत परेशानी लेना इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया ले लो ले लो जल्दी से ले लो ले लो स्क्रीनशॉट ले लिया ओके बढ़े आगे सर बढ़े आगे बढ़े बड़े आ जाओ बेटा करते हैं ऑल क्लियर क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है बताओ जरा कह रहा है प्रतिरोध की विमा बताओ बताओ एमसीक्यू में आपको बताना है एमसीक्यू में पूछा है प्रतिरोध की विमा रेसिस्टेंस की डायमेंशन पूछा है सर कैसे निकालेंगे सर हमको पता है क्या पता है सर सर हमको पता है कि V इक्वल टू अकॉर्डिंग टू लॉ V इक्वल टू आई आर होता है तो सर R इक्वल्स टू वी अपॉन आई हो जाएगा आया ना बिल्कुल सर सर वी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर वी की वैल्यू सर वी वैल्यू अरे सर वी की डायमेंशन वी इज अ पोटेंशियल सर पोटेंशियल की नहीं पता नहीं पता तो निकाल लो आओ बेटा तो इक्वल्स टू क्या होता है मैं हर एक चीज बताऊंगा ऐसे ही आपको करना है तभी आप डायमेंशन याद कर पाएंगे वी टू क्या होता है फॉर्मुले से डब्ल्यू अपॉन क्यू वर्क डन अपॉन चार्ज तो सर वर्क डन क्या होता है सर एम एल स्क्वायर की पावर माइनस टू कोई दिक्कत परेशानी अपॉन नीचे ए टी सर ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गई डायमेंशन एम एल माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन ये आ गई किसकी बेटा ये आ गई है आपकी पोटेंशियल की रख देते हैं यहां पर पोटेंशियल की डायमेंशन क्या है सर एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस वन होल अपॉन सर आई है सर आई की क्या होती है एटी होती है नहीं सर आई की तो एम्पियर होती है एटी नहीं एटी तो चार्ज की होती है आई की एम्पियर हो गई अब सर ये ए ऊपर जाएगा ए की पावर माइनस वन हो जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा बाकी कुछ ही नहीं नीचे तो वैसा ही रहेगा तो क्या आएगा सर आर इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री

एम एल स्क्वायर ए की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस टू कोई दिक्कत परेशानी हाँ आना समझ में आया बेटा इसी तरीके से करना है ठीक है पढ़ के करना है करें ऑल क्लियर करें ऑल क्लियर ओके बढ़ें अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या कह रहा है क्या कह रहा है कि, कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है आपको रेसिस्टेंस दे रखा है तार का प्रतिरोध 500 ओम है इसकी वैद्युत चालकता होगी ओके okay, सर क्या पूछ रहा है आपको कंडक्टिविटी पूछ रहा है क्या पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और आपको आ, आप क्या दे रखा है आपको सर दे रखा है r r आपको दे रखा है कितना 500 ओम दे रखा है कितना दे रखा है r आपको 500 ओम दे रखा है आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहां पर लिख देता हूं मैं चलो हिंदी में लिख देता हूं वैद्युत वैद्युत चालकता आपसे पूछ रहा है तो बेटा फॉर्मूला पता है हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है ना वो क्या होता है वैद्युत चालकता क्या होता है वो कुछ नहीं होता है वो प्रतिरोध का रेसिफोकल होता है क्या होता है प्रतिरोध का रेसिफोकल वन अपॉन आर होता है क्या होता है वन अपॉन आर तो फॉर्मूला होता है इसका वन अपॉन आर तो सर कुछ नहीं करना ऊपर वन नीचे आर सॉल्व करते हैं जरा क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो सर आ, ओके 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 आ जाओ बेटा हाँ इसको सॉल्व करते हैं हाँ इसको सॉल्व करते हैं जरा हम लोग इस पर करते हैं किस पर करते हैं इस वाले पर करते हैं ठीक है तो क्या आ जाएगा न, यहां पर देखना चलो इस, इसी पर करते हैं कितना आ जाएगा वन अपॉन सर आर की वैल्यू कितनी दे रखी है पाँच सौ आर की वैल्यू दे रखी है 500 सर सॉल्व करना इसको तो कितना आ जाएगा जरा इधर करना सॉल्व अंदर 1 बाहर 500 सर पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया जीरो, जीरो जीरो नहीं काम आएगा फिर जीरो फिर जीरो 500 दूनी 1000 कटैया सर आंसर कितना आया 0.002 जीरो 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 कोई दिक्कत परेशानी हाँ या ना समझ में आया कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए ठीक सर का, आंसर क्या आ गया जीरो जीरो आगे सर बढ़ते हैं ठीक है तो देखिए बेटा तो आंसर क्या होगा इसका आंसर है सर जीरो 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 ओम इनवर्स आ गया बढ़े आगे सर करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है कह रहा है कि एक चालक की वोल्टता धारा आई के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो वाई अच्छा आई को प्रदर्शित करता है से कोण बनाती है, चालक का प्रतिरोध होगा अरे भैया ओम ला पे आधार पर निर्भर है ये क्वेश्चन ओम ला बताते हैं ओम के नियम से अनुसार वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है हा या ना बिल्कुल कहा है कि अगर हम लोग एक ग्राफ खींचे किसके किसके वी और आई के बीच में जहां पर वाई एक्सिस पर आई है वाई एक्सिस पर कौन है आई है मतलब एक ग्राफ ये खींच दो ए, ऐसा करका. तो y पर कौन है? ये y हो गया, हमारा? और ये X हो गया? हा या ना एक्स अच्छा हो गई कह रहा है कि वाई एक्स पे कौन है वाई एक्स पे सर हमारा आई है ठीक है और तो एक्स एक्सिस पे कौन होगा वी होगा कोई दिक्कत परेशानी नहीं कह रहा है कि कोण बनाती है चालक का प्रतिरोध होगा तो भैया चालक का प्रतिरोध क्या होगा यहां पर अगर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करें इसको अगर खोलें, तो V इक्व आई आर हो जाएगा या ना? और आर इक्व टू क्या होता है V अपॉन आई

टेन थीटा समझ में आया आपने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा कि कोई भी ग्राफ हो उस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको कुछ ना कुछ देता है जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सलेशन देता है ऐसे ही करंट और वेलोसिटी करंट और वोल्टेज का स्लोप हमको रेसिस्टेंस प्रतिरोध देगा तो स्लोप का फॉर्मूला एम तो थीटा होता है तो आर इक्टून थीटा देखो सर टेन कहीं आ रहा है अरे सर क्वेश्चन नंबर का में कामे आ रहा है समझ में आया कठिन नहीं है बेटा दिमाग लगाने की जरूरत है थोड़ा आपको ये जो है ना ऊपर वाला पार्ट है ना भेजा आपको चलाना पड़ेगा कोई दिक्कत परेशानी बड़े आगे ओके okay, सर करें और क्लियर क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है क्या कह रहा है पचास ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है नया प्रतिरोध बताइए क्या बात मान लेते हैं मेरे पास ये एक तार है जिसका प्रतिरोध 50 ओम दे रखा है ये एक तार है जिसका प्रतिरोध 50 ओम है इसको मैंने खींचा इसको खींचा इसकी लंबाई को कर दिया दो गुना इसकी लंबाई को कर दिया दो गुना अब एक बात बताना अगर इसकी लंबाई दो गुना होगी कहीं ना कहीं इसकी जो मोटाई है वो आधी नहीं हो जाएगी दिमाग लगाओ आप आपके पास अगर आपके आपके हाँ, आपके आपके घर पे आपके हाथ में रबड़ बैंड होती है ना जो बालों में लगाई जाती है हाँ, मिठाई के डब्बे में चढ़ाई जाती है जरा उस रबड़ बैंड को ऐसे करके खींचो जितना आप खींचते चले जाओगे उसका जो डायमीटर होगा रबड़ बैंड का वो पतला होता चला जाएगा हाँ या ना मतलब अगर आप इसकी लंबाई को प्रतिरोध की जो तार है पचास ओम का प्रतिरोध है कोई तार है उस तार को अगर आप दुगना खींच दोगे उसकी लंबाई को दुगना कर दोगे कहीं ना कहीं जो उसका आ, एरिया है वो कैसी हो जाएगी आधी हो जाएगी हो जाएगी तो बस सर हमको क्या बताना है नया प्रतिरोध बताना आ जाओ बेटा ठीक है वहां पर दिक्कत ये इसने ये नहीं कहा है कभी नहीं बताएगा कि एरिया आधी होगी आपको दिमाग लगाना है कि भैया अगर लंबाई को हम दो गुना कर देंगे तो उसका एरिया भी तो आधा हो जाएगा बस लगा दीजिए फॉर्मूला सर फॉर्मूला क्या होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए यही होता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए बिल्कुल सर जो पहला वाला आर कितना दे रखा है इसकी वैल्यू दे रखी है सर पचास ओम दे रखी है कितनी दे रखी है पचास ओम ये पहला वाला है कौन सा है पहला वाला है ठीक है अब आपसे नया प्रतिरोध पूछा गया है, जब एल की वैल्यू को दुगना कर दिया और ऑटोमेटिक ए की वैल्यू कैसी हो जाएगी आधी हो जाएगी आ जाइए सर तो क्या बोलोगे कि आर इक्वल्स टू रो एल की जगह सर हम लोग क्या कर दें दोगुना कर दिया मतलब टू एल होल अपॉन सर एरिया कैसा हो जाएगा आधा हो जाएगा मतलब ए बटे टू सर ये टू ऊपर चला जाएगा बिल्कुल तो आर इक्वल्स टू टू इंटू टू फोर हो जाएगा फोर बार लिख देते हैं रो एल अपॉन ए कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इस वाले को आर डैस नाम दे देते दे हैं दे क्या दे देते दे हैं दे आर डैस कहीं ना कहीं रो एल अपॉन ए रो एल अपॉन ए पहला वाला आर है बिल्कुल तो क्या यहाँ पर पहले वाले आर लिख सकते हैं पहला वाला आर लिख सकते हैं बिल्कुल सर लिख सकते हैं तो हम लोग लिख देते हैं क्या लिख दे देते हैं सर यहाँ पर कि आर डैस इक्वल्स टू आर डैस इक्वल्स टू फोर आर कोई दिक्कत परेशानी रो एल अपॉन ए आर लिख सकते हैं अब आर की वैल्यू रख दो सर कितनी है आर इक्वल्स टू फोर सर आर की वैल्यू कितनी दे रखी है फिफ्टी दे रखी है पचास सर पांच आ, पांच को बीस मतलब आ गई दो सौ ओम कोई दिक्कत परेशानी हाँ या ना बताओ बेटा कितनी आ गई दो सौ ओम समझ में आया देखते हैं सर आंसर आ पा रहा ओके सर क्वेश्चन आंसर नंबर फोर ठीक है घा वाला आया 200 ओम जल्दी से ले लीजिए सर इसका स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ जल्दी से लीजिए क्वेश्चन नंबर एट बढ़े आगे बेटा ठीक है आइए करें ऑल क्लियर ऑल क्लियर और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न आठ पे कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बताओ बेटा विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर क्या होता है ओम मीटर बढ़े आगे ठीक है सर कह रहा है कि एक प्रश्न है मैग्नीन का एक मैग्नाइन का एक विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा सब से MC, मतलब एमसीक्यू में ये पॉइंट तो भी नोटेड है ठीक है आप नोट कर लेना बेटा ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड है देखिए क्या कह रहा है मैगनाइन का विशिष्ट प्रतिरोध पचास इंटू टेन की पावर माइनस एट ओ मीटर है पचास सेंटीमीटर लंबाई के मैगनाइन के एक घन का प्रतिरोध होगा ओके 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 क्या कह रहा है आपको आपसे कह रहा है कि आपको एक मैगनाइन का एक वायर है मैगनाइन एक ए, होता है वायर होता है ठीक है एक है ठीक है मैगनाइन का एक वायर है ठीक है और जिसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना दे रखा बेटा रो की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी दे रखी है फिफ्टी इंटू टेन की पावर माइनस एट दे रखी है कितनी दे रखी ओम मीटर ओम मीटर ठीक है कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग नाइन के आपको एल की वैल्यू सर कितनी दे रखी है पचास सेंटीमीटर पचास सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे टेन की पावर माइनस टू मीटर कोई दिक्कत परेशानी क्योंकि सब मीटर में है क्या कह रहा है एक घन है घन का मतलब क्यूब घन का मतलब क्यूब ऐसा करके बना देते हैं तो आपको एक घन का क्यूब बताना है क्या घन का क्या बताना है प्रतिरोध क्या होगा अगर ऐसा है तो एक बात बताना हम्म ये ये जो क्यूब बना है किससे बना है के वायर से बना है एक की लंबाई जो एल की लंबाई कितनी दे रखी है पचास इंटू टेन की पावर माइनस टू दे रखी है हाँ या ना अब अगर इसका एरिया निकालें स्क्वायर टाइप का है एरिया निकालेंगे एल इंटू एल हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा हाँ या ना? एरिया हमको दे नहीं रखा एरिया कितना रखेंगे एल स्क्वायर रखेंगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं तो यहां पर जो एरिया आ गया एरिया आ गया मैं लिख देता हूँ एरिया कितना हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये क्या है क्यूब है ठीक है तो यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं हमें आर पूछा है सर आर का फॉर्मूला क्या होता है देखिए जरा आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए सर रख दें क्या वैल्यू बिल्कुल सर रख देते हैं वैल्यू तो क्या आ जाएगा आर इक्वल्स टू रो सर एल की वैल्यू l अपॉन a की वैल्यू l स्क्वायर सर कुछ कटेगा एक l से एक l कट जाएगा जो बचेगा तो इधर लिखना बेटा देखो क्या आ जाएगा बेटा r इक्वल्स टू रो सर रो की वैल्यू कितनी रो अपॉन l यहां पहले लिख देते हैं रो अपॉन l r इक्वल्स टू रो की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 दे रखी है 50 10 की पावर minus -8 अपॉन सर l की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 into 10 की पावर minus -2 50 माइनस टू बेटा पचास से पचास कैंसिल टेन की पावर माइनस टू ऊपर जाएगा प्लस टू हो जाएगा आठ में से दो गया छह बचा आर बचाव टू टेन की पावर माइनस सिक्स ओम देखो कहीं या कहीं ऑप्शन आया क्या ये टेन की पावर माइनस सिक्स टेन की पावर माइनस सिक्स सर पहला ही ऑप्शन है कितना है टेन की पावर माइनस सिक्स समझ में आया न्यूमेरिकल समझ में आया एमसीक्यू समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने ठीक है जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ जल्दी से लीजिए सर स्क्रीनशॉट इसका ले लिया आगे आगे बहुत बहुत सिंपल है बहुत इजी है इजी तरीके से समझा बेटा ना चलिए करें ऑल क्लियर ऑल क्लियर सर आइए सर क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है कि विशिष्ट चालकता का मात्र क्या है विशिष्ट चालकता बताइए बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मात्र क्या है तो मात्र क्या होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स क्योंकि वन अपॉन रो होता है ठीक है वन अपॉन वन अपॉन रो होता है तो रो का ओम मीटर होता है ठीक है वन अपॉन हो गया तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोई दिक्कत परेशानी नहीं, नहीं। बढ़े सर क्वेश्चन नंबर इलेवन पर क्या कह रहा है कि एक वेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है बताइए एक वेलनाकार एक सिलेंड्रिकल कोई कंडक्टर है उसकी प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी एंड विशिष्ट चालकता दैट इज कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किस पर निर्भर करती है का गुणनफल मल्टीप्लाई किस पर निर्भर करता है आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है देखो बेटा कह रहा है कि एक बताइए कि प्रतिरोधकता का मतलब है रो इनटू बेटा विशिष्ट चालकता चालकता का मतलब है अपॉन यही तो होता ना सिगमा ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो आपको सही समझ में आएगा कह रहा है कि प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी 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 इनटू गुणनफल पूछ रहा है, क्या है विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टेंस ठीक तो रेसिस्टिविटी को किससे लिखते हैं रो से लिखते हैं इनटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस को किससे लिखते हैं सिग्मा से लिखते हैं लेकिन सिग्मा होता है क्या है वन अपॉन रो ही तो होता है तो यहां पर रो आ जाएगा इनटू इसको लिख देते हैं वन अपॉन रो तो रो से रो कट गया गया क्या गया? तो क्या आ तो किसी पर निर्भर कर रहा है कुछ आया नहीं आया देखो बेटा ताप पर निर्भर कर रहा है हाई नहीं भैया ताप पदार्थ है ही नहीं एरिया है ही नहीं कुछ है ही नहीं तो क्या आएगा इसमें से कोई नहीं समझ में आया तो आंसर क्या जाएगा इसमें से कोई नहीं समझ में ऐसे नोमेरिकल आते हैं दिमाग वाले ठीक है इस तरीके से कोई दिक्कत परेशानी बड़े आगे सर बड़े आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं ट्वेल्व इसको करते हैं ऑल क्लियर देखो सर एक और नोमेरिकल शानदार सर क्या कह रहा है कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब हैं

वाट दे रखा है हाँ है ना और दोनों का वी सेम है वी कितना दे रखा है दो सौ बीस वोल्ट सर सेम है का मतलब क्या है सेम है का मतलब दोनों पैरलर कनेक्ट है? है कैसे कनेक्ट है दोनों पैरलर कनेक्ट हैं कैसे कनेक्ट हैं दोनों पैरलर कनेक्ट हैं ऐसे करके कनेक्ट करके मतलब एक डायग्राम बना दिखा देता हूँ समझ में आया ये दोनों कैसे हैं पैरलरली कनेक्ट है तभी 220 वोल्ट दोनों का है कोई दिक्कत परेशानी आपसे क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है गिवन में क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि आर वन रेशियो आर टू पूछ रहा है क्या पूछ रहा है आर वन रेशियो आर टू निकालते हैं सर बहुत आसान है ठीक है इसको इरेज कर दें इस वाले को इरेज कर दें डायग्राम को देखो बेटा क्या कह रहा है जरा देखते हैं आपको पता है फॉर्मूला सर पी क्या होता है पी वी आई होता है हाँ या ना पी जगह आर रख सकते हैं, ओम्स रख सकते हैं? आई वी आर होता है. तो क्वेश्चन अपॉन आर कोई दिक्कत परेशानी अब वी तो दोनों के लिए सेम है मतलब कॉन्स्टेंट है तो अगर इसके दोनों सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर यहां से बताना बेटा क्योंकि पी क्या है हमारा विभव है जो बोल्ट विभव है हाँ ये कैसा है दोनों के लिए सेम है अगर दोनों के लिए सेम है तो ये कांस्टेंट रहा दोनों के लिए कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं पी इज इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू आर अब यहां से अगर देखें यहां से अगर इस 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 फॉर्मूले से देखें तो हमको समझ में आएगा कि पी अपॉन पी टू, किसके इक्वल हो जाएगा ये नीचे वन अपॉन आर नीचे मतलब आर अपॉन आर वन के इक्वल हो जाएगा हाँ या ना बिल्कुल सर हमको क्या निकालना सर हमको आर वन अपॉन आर टू निकालना क्या है निकालना आर वन तो कुछ नहीं रशि पोकल कर दें क्या कर दें रसी पोकल कर दें आइए बेटा देखते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा सर आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन यही हो जाएगा ना पलट देंगे इसको ठीक है तो सर वैल्यू रख देते हैं आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू सर पी टू की वैल्यू कितनी है सर पी टू की वैल्यू सिक्सटी पी वन की वैल्यू फोर्टी काट देते हैं कितना आ जाएगा तो चार दो मतलब तीन बटे दो तो आर वन रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई थ्री रेशियो टू देखो सर यही आंसर आया क्या कहीं आर वन रेशियो आर टू की वैल्यू थ्री रेशियो टू है क्या थ्री रेशियो टू है क्या सर थ्री रेशियो टू दे दो रखा है फोर्थ वाले ऑप्शन में देखते हैं सही है कि नहीं अरे हाँ सर सही है हमारा कौन सा है क्वेश्चन नंबर का जो आंसर कितना है, समझ में आया कैसे किया समझ में आया ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना चलिए बड़े बोले सर क्वेश्चन नंबर तेरा की तरफ थर्टीन okay. हाँ क्या कह रहा है साठ वाट व सौ वाट वाले बल्ब के तंतु मतलब तंतु का मतलब होता है फिलामेंट तंतु एक ही लंबाई के बने हैं कह रहा है कि दो बल्ब हैं एक बल्ब है साठ वाट का और एक बल्ब है सौ वाट का देखा ना सौ वाट का बल्ब ठीक है बड़ा पीला सा बल्ब होता है एक सौ वाट के दो बल्ब हैं ठीक है और दोनों का जो फिलामेंट है वो एक ही वायर एक ही धातु से बना है एक ही मेटल से बना है तो आपको ये बताना है और तंतु एक ही लंबाई के हैं कह रहा है एक ही मेटल से तो बने होंगे ठीक है और लंबाई भी एक है दोनों की लंबाई भी एक है तब तो ये बताओ कि सौ वाट वाला तंतु मोटा है या फिर सौ साठ वाट वाला तो तो जो फिलामेंट है वो मोटा है या फिर अरे सत्तर वाला तो है ही नहीं सत्तर दे ही नहीं रखा है या फिर दोनों की लंबाई बराबर नहीं हो सकती कैसे नहीं हो सकती बिल्कुल हो सकती है ठीक है तो क्या होगा अब एक बार बताना जिसकी पावर ज्यादा उसका जो आ, मतलब एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो भी ज्यादा होगा मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा कि 100 वाट वाला जो तंतु है वो कैसा होगा वो मोटा होगा कोई दिक्कत परेशानी आया हाँ आगे बढ़े सर क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते है? वे होने वाली शक्ति होगी ओके सर फिर से न्यूमेरिकल दे रखा है दे, आज कर करके मजा आ जाएगा है ना क्या कह रहा है कह रहा है कि सर एक दो सौ बीस वोल्ट सौ वाट का एक वल्फ है ठीक है जिसको हमने आ, एक बल्ब है बल्ब के ऊपर लग के आता होगा आपने अगर पीला वाला बल्ब देखा होगा तो ऐसे करके गोल गोल सूर्य का बल्ब आता था ठीक है उसके ऊपर ऐसे करके ठप्पा लग के आता था कि ये 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 220 वोल्ट और 100 वाट का है है ठीक उसके ऊपर मेंशन होता है लेकिन हमने उसको कनेक्ट किससे किया एक वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया तो आपसे पूछा है पावर कितना होगा क्या पूछा है पावर कितना होगा देखो बेटा निकालते हैं गिवन क्या दे रखा है आपको दे रखा है एक बल्ब है ठीक है क्या है बल्ब बल्ब है क्या है, है? बल्फ है ठीक है कौन कौन बल्ब को बल्ब बोलता है दो सौ बीस दो सौ बीस वोल्ट दे रखी है पावर कितना है सर इसका पावर है सौ वाट है कितना है सौ वाट पावर है ठीक है किससे कनेक्ट कर दिया है किससे कनेक्ट कर दिया है? यहां पर एक बना देते हैं डायग्राम बना देते हैं आपको समझ में आएगा समझ में आया आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका जो कितना सप्लाई दे रहा है की वो कितना है दो सौ बीस वोल्ट है इसके ऊपर लगा है और जो इसकी पावर है वो कितनी है वो इसकी पावर है सर कितनी है सौ सौ वोल्ट है ठीक है तो आपको क्या बताना है कि कितनी कितनी शक्ति कितनी शक्ति पावर बतानी कितनी शक्ति खर्च होगी कितनी शक्ति खर्च होगी बताओ इस बल्ब को जलने में तो क्या करें सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं क्या निकाल प्रतिरोध निकाल लेते हैं और प्रतिरोध निकाल लेंगे फिर इसके साथ हम लोग निकाल देंगे ठीक है तो देखते हैं सर प्रतिरोध निकालते निकाल हैं इसका तो इसका प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर पी इक्वस टू फॉर्मूला क्या है वी स्क्वायर अपॉन आर यही था तो आर की वैल्यू निकालते हैं आर इक्वस टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी सर वी स्क्वायर का कितना दे रखा दो सौ बीस इंटू दो सौ बीस अपॉन सर पी कितना दे रखा सौ नीचे सौ कर दो बेटा एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा कितना बचेगा बाईस इंटू बाईस बाईस इंटू बाईस को वैसे ही रखा रहने देना ठीक है मैं इसको ऐसे करके व्हाइट से लिख दे रहा हूँ क्या आर इक्वल्स टू बाईस इंटू बाईस क्योंकि आ, आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको ठीक है कट जाएगा बाईस इंटू बाईस ओम कोई दिक्कत परेशानी इसको कर दें रेड से बंद ठीक ये क्या आ गया ये आ गया प्रतिरोध हमारा आ गया क्या आ गया प्रतिरोध आ गया अब ये इसका यहां पर मतलब यहां का जो रेसिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया सर रसिस्टेंस आ गया बाईस गुण बाईस अब हमें आर पता चल गया वी पता है पी निकाल सकते हैं क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं अब नया पी निकालेंगे इसके साथ ठीक है तो क्या निकालेंगे पी कहां करते हैं यहां पर करते हैं देखो बेटा इधर निकालते हैं पी निकालते हैं क्या निकालते हैं पी सर पी का फॉर्मूला क्या होगा P टू वी स्क्वायर अपॉन आर तो P कोस टू सर V स्क्वायर क्या है दे रखा है बाईस इंटू बाईस बाईस इंटू बाईस कोई दिक्कत परेशानी हाँ या ना ठीक है सर सॉल्व करते हैं जरा सॉल्व करना कितना आएगा ग्यारह एकम ग्यारह ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह एकम ग्यारह ग्यारह दूनी बाईस तो ऊपर दस इंटू दस आए तो P क्वेश्चन आया दस इंटू दस मतलब सौ और नीचे दो इंटू दो मतलब चार सर काटेंगे चार एकम चार और पच्चीस बार चक कटेगा ठीक है मतलब ये आ गया पच्चीस

क्या कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर जरा कह रहा है कि एक 200 वाट का एक टेलीविजन है एक टीवी है एक 200 वाट की टीवी है ठीक है और वो हम लोग चार घंटे तक जलाते हैं कितने घंटे तक चलाते हैं चार घंटे तक चलाते हैं और वैद्युत की कितनी इकाई व्यय होगी आपको बताना कितना यूनिट खर्च होगी जैसे नहीं कहते हैं कि टीवी ज्यादा देर तक ना चलाओ बिजली का बिल ज्यादा आएगा फ्रिज ज्यादा देर तक ना चलाओ बिजली का बिल ज्यादा आएगा तो ऐसे ही टीवी है और उस टीवी पर एक मूवी आ रही है और उस मूवी को हम लोग चार घंटे तक देख रहे हैं तो बताना है अगर वो वो दो सौ की टीवी यदि चार घंटे तक चलती है तो कितना एनर्जी खर्च होगी आपको यूनिट बतानी क्या बतानी यूनिट बतानी तो क्या करना बेटा आपको सीधे सीधे लिखो वी कितना दे रखा है करते हैं ऑल क्लियर करते हैं सर देखिए नुमेरिका कितने अच्छे अच्छे दे रखे हैं बी आपको सर कितना दे रखा है दो सौ वाट हाँ ना ठीक टाइम कितना दे रखा है सर टाइम आपको दे रखा है चार घंटे कितना रखा है अरे सॉरी 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 एक मिनट एक मिनट वोल्ट पावर दे रखा है बेटा पावर कितना दे रखा है दो सौ वाट ठीक है कितने पावर की है वो दो सौ वाट की है और आपको टाइम कितना दे रखा है सर टाइम दे, दे रखा है चार घंटे दे रखा है फोर आवर कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं आपको क्या निकालना है कि कितनी इकाई वह होगी मतलब एनर्जी आपको एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी ईक्वल टू क्या होता है पी इन टू टी होता है तो सर ई इक्वल्स टू सर पी का फॉर्म पी क्या है दो सौ दे रखा है टी कितना दे रखा है फोर दे रखा है तो क्या हो जाएगा चार दूनी आठ मतलब आठ सौ क्या आया है वाट आर आया है क्या आया है वाट और ये घंटा हुआ वाट आर लेकिन हमको इसको बदलना है किलो वाट आर में क्योंकि हमारे जो घर में जो बिजली का मीटर लगा है वो रीडिंग नापता है वो किलो वाट आर में तो सुना होगा कि किलो वाट आर का मीटर लगा है मेरे यहाँ दो किलो वाट आर का लगा है किसी के यहाँ पांच किलो वाट आर का जिसके यहाँ ए और बहुत सारी ये सब चीजें लगी होती है तो उनके यहाँ पांच किलो वाट आर का मीटर लगा होता है तो इसको किलो वाट आर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे तीन जीरो लगा दो तीन जीरो तीन के बाद पॉइंट लगा दो एक दो तीन तो आ गया वन पॉइंट हजार से डिवाइड कराएंगे ना तो वन पॉइंट एट किलो वाट आर समझ में आया और एक किलो वाट आर क्या है यूनिट है यही क्या है यूनिट है तो हम लोग बोल सकते हैं e तो सर देखो जीरो पॉइंट एट यूनिट आया मतलब अगर हमारा दो, दो सौ वाट की अगर कोई टेलीविजन है उसको चार घंटे तक चलाते हैं तो कितनी यूनिट आएगी सर यूनिट आएगी 0.8 देखो जरा बेटा 0.8 आया जी हाँ समझ में आया कितनी यूनिट आएगी जीरो पॉइंट एट समझ में आया कोई दिक्कत कुछ नहीं करना e P T. ठीक है कही कहीं ना कहीं इसका आंसर आ गया जल्दी करें ऑल क्लियर ऑल क्लियर आओ बेटा क्वेश्चन नंबर सर सोलह क्या, क्या कह रहा है जरा सोना क्या कह रहा है एक एक टुकड़े को टी वन के से T2 के तक ठंडा किया जाता है T1 वन की क्या है बेटा कोई एक टेम्परेचर होगा टेम्परेचर कैलविन T1 वन से T2 टू तक ठंडा किया जाता है जैसे ही अगर टेम्परेचर को कम किया जाता है तो आप बताइए कि प्रतिरोध बढ़ेगा या फिर घटेगा ठीक है तो प्रतिरोध प्रतिरोध प्रत्येक का बढ़ जाएगा दोनों का एल्मोनियम और जर्मेनियम का बढ़ जाएगा या फिर प्रत्येक का घट जाएगा या फिर दोनों को घट जाएगा प्रतिरोध या फिर एल्मोनियम का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और जर्मेनियम का प्रतिरोध घट जाएगा या फिर एल्मोनियम का प्रतिरोध घट जाएगा या फिर जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ जाएगा बेटा ये क्वेश्चन पता है आपका कहां से आया है ये क्वेश्चन आया आपका कि अब मैंने आपको बताया कि था कि ताप पर निर्भरता याद है क्या कि प्रतिरोध पर तो प्रतिरोध पर ताप की निर्भरता कि हम टेम्परेचर बढ़ाने पर या घटाने पर या प्रतिरोध बढ़ता है या फिर घटता है यहाँ पर अल्मोनियम और जर्मेनियम क्या है अल्मोनियम क्या है एक मेटल है क्या है मेटल तो दोनों हैं लेकिन अल्मोनियम क्या है एक कंडक्टर है ठीक है लेकिन जर्मेनियम क्या है सेमी कंडक्टर है क्या है सेमी कंडक्टर और मैंने बताया है कि जब भी कभी कंडक्टर का चालक कर चालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता बढ़ती है और टेम्परेचर घटाते हैं तो प्रतिरोधकता घटती है तो यहां पर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं ठंडा कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो कहीं ना कहीं अल्मोनियम की जो प्रतिरोधकता है वो क्या होगी घटेगी लेकिन सर जर्मेनियम के साथ क्या होगा सेमी कंडक्टर के साथ क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोधकता घटती है और टेम्परेचर घटाने से प्रतिरोधकता बढ़ती है तो जर्मेनियम के साथ उल्टा हो जाएगा मतलब जब भी कभी अगर हम इन दोनों को ठंडा कर रहे हैं इतने टेम्परेचर पर तो क्या होगा अल्मोनियम की प्रतिरोधकता घटेगी और जर्मेनियम की प्रतिरोधकता बढ़ेगी सर ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है ऑप्शन नंबर घा आ रहा है क्या कि सर टेम्परेचर अगर हम लोग कम करेंगे तो एल्मोनियम की जो रेसिस्टिविटी है वो घट जाएगी और जर्मेनियम की रेसिस्टिविटी बढ़े जाएगी समझ में आया बेटा क्वेश्चन समझ में आया रेसिस्टिविटी कैसे निकालते हैं सर आर टी इक्वल्स टू R नॉट वन प्लस अल्फा T यही फॉर्मूला होता था हाँ या ना अब वेयर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशेंट इसी से आया कोई दिक्कत परेशानी नहीं।, नहीं सर बड़े सर बड़े आगे बड़े आगे करें ऑल क्लियर समझ में आया बेटा यहां तक ओके सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर से क्या कह रहा है कि जब एक तांबे का टुकड़ा कॉपर तांबे का टुकड़ा है एवं दूसरा जर्मेनियम का टुकड़ा है दोनों को कमरे में के तापमान से 80 कैलविन तक ठंडे किए जाने पर वही सेम सवाल दे रखा है एक ताबा है तांबा क्या है चालक है जर्मेनियम क्या है

कह रहा है कि दो असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जो, जुड़े हैं इनके कौन सी बात ठीक है अगर दो प्रतिरोध हैं और वो समांतर क्रम में जुड़े हैं कैसे जुड़े हैं बेटा समांतर मतलब जुड़े जुड़े हैं हैं अगर दो 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 प्रतिरोध ही जुड़े हैं, तो क्या होगा दोनों में धारा समान होगी नहीं धारा नहीं समान होगी धारा अलग अलग डिवाइड हो जाएगी बड़े प्रतिरोध में धारा अधिक होगी ये भी कहना अच्छा सही नहीं है ठीक है क्योंकि प्रतिरोध बड़े प्रतिरोध में धारा अधिक नहीं अधिक हो ही नहीं सकती कम होगी ठीक है दोनों में बोल पतन समान होगा जी हां पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में समान होगा क्यों क्योंकि मान लेते हैं यहां पर ए है और यहां पर बी है और इन दोनों को मैंने ऐसे करके एक प्रतिरोध यहां पर लगा दिया है और ऐसे करके यहां पर एक प्रतिरोध मैंने यहां पर लगा दिया है तो ए से लेकर बी तक जो पोटेंशियल होगा दोनों में कैसा होगा सर वो सेम होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब भी कभी दो असमान प्रतिरोध को समांतर में जोड़ते हैं तो इनमें कौन सी बात ठीक होगी कि दोनों में बोल्ट पतन इज पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा बेटा समान होगा कोई दिक्कत परेशानी क्योंकि कार्य वर्क डन कैसा होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है चाहे वो ऊपर से जाए चाहे नीचे से जाए पहुंचा तो से भी है मतलब जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा सेम होगा क्योंकि वी का फॉर्मूला क्या होता है वीक्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू और डब्ल्यू तो दोनों में सेम है डब्ल्यू दोनों में सेम है इसका मतलब है कि सर दोनों में पोटेंशियल सेम होगा बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिए सर क्या कह रहा है एक प्यारा सा आपको डायग्राम दे रखा है कह रहा है कि ए और बी के बीच में बेटा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है तुल्य प्रतिरोध बताना है निकालिए बेटा बताना जरा ये दोनों कैसे लगे हैं पैरलर हैं ये दोनों कैसे हैं पैरलर तो जरा इन दोनों का निकाल लेते हैं तो वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर आर वन दे देते दे दे हैं इस वाले को इस वाले को इन दोनों को वन अपॉन आर वन इक्वन अपॉन आर अपॉन आर इज 1/r r1 1/2 1/2 एलसीएम लिया 2 1 1 दैट इज 2 2 कट गया तो कितनी आई वैल्यू तो r1 की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी आ गई है r1 की वैल्यू 1 आ गई है कोई दिक्कत परेशानी हाँ या ना नहीं r1 की वैल्यू जैसे ही बनाई है अब ये क्या होगा मतलब अब कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर क्या बन गए होंगे एक बन गया होगा ऐसे करके ये 1 ओम का आ गया ए, अब सीरीज में निकालना है ए और बी के बीच में ये तो टू ओम और मतलब ओम थ्री ओम तो आंसर कितना आएगा देखो बेटा थ्री ओम, समझ में आया क्योंकि ये दोनों कैसे हैं सर सीरीज में तो देखो आंसर नंबर कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया करते हैं सर अपना लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बीस कौन सा करते हैं क्वेश्चन नंबर बीस क्या कह रहा है सर कह रहा है कि एक प्रतिरोध एक आर प्रतिरोध के तार को दस बराबर भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है ओहो सर क्या कह रहा है क्वेश्चन देखना बेटा क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है कि एक आर प्रतिरोध है एक तार है जिसका प्रतिरोध आर है उसको 10 बराबर भाग में इक्वल पार्ट में उसको क्या कर दिया है बराबर भागों में काटकर समांतर क्रम में जोड़ दिया समांतर क्रम का मतलब है कुछ इस तरीके से एक तार था ऐसे करके एक ऐसा करके तार था जिसका प्रतिरोध आर था जिसका प्रतिरोध क्या था आर था अब इसको मैंने दस इक्वल पार्ट में बांट काट दिया एक दो तीन चार पांच, छ सात आठ नौ एक दो तीन चार पांच, छः सात आठ नौ दस दस इक्वल पार्ट में मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया अब इन दसों पार्ट को मैंने कैसे लगा दिया बेटा इन दसों पार्ट को मैंने लगा दिया कैसे लगा दिया ऐसे करके देखना बेटा इन दसों पार्ट को मैंने समांतर क्रम में लगा दिया कैसे लगा दिया पैरलरली लगा दिया कितने हुए एक दो तीन चार पांच छह चार और बना दें सात आठ नौ और ये सबसे आखिरी ये सबसे आखिरी ऐसे मैंने दस को दस दस टुकड़ों को समांतर क्रम में लगा दिया है ठीक है इस संयोजन का प्रतिरोध होगा तो आपको प्रतिरोध बताना है क्या बताना प्रतिरोध बताना है। देखना बेटा कैसे लगाया है मैंने मान लेते हैं इसको आरडेस नाम दे देते हैं क्या देते दे हैं आरडेस मान लेते हैं एन है ठीक है एन पार्ट में डिवाइड हुआ है कितने पार्ट में एन पार्ट में डिवाइड हुआ है ठीक है तो इसको नाम दे देते हैं इसको नाम दे देते हैं आर क्या नाम देते हैं एक का नाम है आर डे ठीक है तो ऐसे पैरलर जोड़ दिया है तो क्या बोलोगे वन अपॉन आर इक्वल्स टू वन अपॉन आर डैस प्लस वन अपॉन आर डैस कहां तक चलेगा बेटा एन टाइम्स तक चलेगा कहां तक चलेगा एन टाइम्स तक चलेगा एन टाइम्स का मतलब है ये दस तक चलेगा कहां तक चलेगा दस तक चलेगा ठीक है तो हमने कर दिया n की वैल्यू 10 कर दी n की वैल्यू कितनी कर दी 10 तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 अपॉन n टाइम्स m n टाइम्स ठीक है जब हम इसको सॉल्व करेंगे पैरेलल में जुड़े हैं तो 1 अपॉन r इक्वल्स टू बोलेंगे n अपॉन r डश हाँ या ना अब अगर r की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी r डश अपॉन n कोई दिक्कत परेशानी हाँ या ना ठीक जब इसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल्स टू r डश अपॉन 10 ये किसकी वैल्यू आ गई प्रतिरोध की वैल्यू आ गई किसकी आ गई प्रतिरोध की वैल्यू आ गई अब हमसे क्या कहा गया है कि संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा अगर मैंने यहां पर एक किसका एक पता चल गया इक्विवेलेंट का पता चल गया ठीक है इक्विवेलेंट कि सर एक का आर डैश था ऐसे 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 कितने थे दस थे और दसों को मैंने कैसे लगा दिया पैरलरली लगा दिया ठीक है तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आया वो आर आया है क्या आया है अब r's की वैल्यू सर निकाल सकते हैं कि एक रस एक प्रतिरोध की कितना एक एक मतलब एक चौकोने का कितना प्रतिरोध होगा अब देखो यहां से कैसे निकालेंगे सर एक तार का प्रतिरोध r था तो इसको 10 एक भाग में डिवाइड कर दिया गया तो हम क्या बोलेंगे सर इसको बोल देंगे कि जो r' की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी r 10 यही हो जाएगी हां या ना बताओ बेटा आर को हमने दस इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है तो आरडेस की वैल्यू एक टुकड़े की वैल्यू हो जाएगी। सर, जगह की जगह रख रख तो क्या? क्या रखेंगे आर आर और नीचे भी क्या था टेन था तो टेन और टेन क्या हो जाएगा सौ हो जाएगा तो आर अपॉन हंड्रेड हा है ना तो ये हंड्रेड हो गया वन अपॉन हंड्रेड ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो uh, पॉइंट mm -mm -mm. लगा दो दोस्ट जीरो पॉइंट जीरो क्या आ गया बेटा ये आपका आ गया प्रतिरोध का आंसर आ गया समझ में आया हाँ या ना क्या किया हमने आंसर चेक कर लेते सर कौन सा आंसर है

करेंगे ना कितने बार करेंगे दस बार करेंगे तो क्या आ जाएगा मान लेते तो आ आ तो तो हंड्रेड हो गया सर इसको जब डिवाइड करेंगे जीरो जीरो वन आर. तो आंसर कितना आ गया जीरो पॉइंट जीरो वन आर. समझ में आया सर स्क्रीन शॉट लेना है जल्दी इसका तो ले लीजिए इसका स्क्रीन शॉट फिर हम लोग आगे की तरफ ले लिया ले लिया ओके सर समझ में आया करें और क्लियर तो बेटा हम लोगों ने अपना एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर एक से लेकर क्वेश्चन नंबर बीस तक बहुत ही अच्छे से कर लिए ठीक है जिसमें हमारे कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन थे और कुछ हमारे क्वेश्चन कैसे थे बेटा न्यूमेरिकल्स भी थे और ये सारे के सारे क्वेश्चन सभी बोर्ड के लिए सभी बोर्ड के लिए कैसे हैं इंपॉर्टेंट है हाँ चलिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के यूट्यूब चैनल पर एप्लीकेशन पर एंड वेबसाइट पर स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर, बोर्ड एमपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड वैदिक मैथ क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस प्रोवाइड कराता है बिल्कुल हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ई नोट्स एंड ई बुक्स की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है जिनको आप अवेल कर सकते हैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है हाँ या ना ठीक तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर तो करें और सब में व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जहां जहां पर आप हैं वहां पर इसको शेयर कर दें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन दे रखा है उसको भी दबा दें फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलना क्योंकि यहीं से आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहती हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए हंसते रहे मुस्कुराते रहे फिजिक्स से प्यार करते रहे बने रहे मैग्नेट ब्रेंस के साथ जय हिंद जय भारत